हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, कौन सा प्रॉफिट टॉपिक चल रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट बराबर है फायर इंश्योरेंस क्लेम। वीडियो देखने वाले तो नहीं जाते हैं, उसके पहले के जितने भी वीडियो है लॉस ऑफ प्रॉफिट का वो देखना होता है। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वीडियो में एक थोड़ा और रिपीट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम पर चलेंगे डिस्कशन ऑन ट्रेंड। डिस्कशन ऑफ ट्रेंड हमने फाइव समय सपोज पहले किए हैं, वो सब समय हमें दिया गया था, या तो देर वॉज नो ट्रेंड, या तो देर वॉज 10 or 20% इंक्रीज इन टर्नओवर का ट्रेंड और डिक्रीज इन टर्नओवर का ट्रेंड। ये ट्रेंड वर्ड क्या होता है तो अच्छी तरह से समझ के रखो, कोई भी एक जो बिजनेस होता है ना उसमें हमारा टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर या तो ईयर टू ईयर इंक्रीज होता है, या तो ईयर टू ईयर मोस्टली इंक्रीज होने के बाद कभी कभी डिक्रीज भी होता है। कोई भी बिजनेस का टर्नओवर स्टेगनेंट नहीं रहता है, हम डेफिनेटली हमारा बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, हम पूरी मेहनत करते हैं कि हमारा बिजनेस ईयर टू ईयर ग्रो करे, उसे ट्रेंड बोलते हैं। जनरली ग्रो करता है, जैसे मैं जब आज से बहुत सालों 15 साल पहले क्लासेस चलाता था, मतलब 25 ईयर्स तो ऑलरेडी चलाया था मैंने, तब एवरी ईयर मेरा बिजनेस 30% ग्रो कर रहा था। मतलब सपोज करंट ईयर में 200 स्टूडेंट है तो नेक्स्ट ईयर 30% 260 स्टूडेंट होता है, नेक्स्ट ईयर और 30% ग्रोथ होता है। लाइक दैट मेरा टर्नओवर 30% से ग्रो करता था क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता था, क्योंकि मेरे जो बच्चे लोग थे मेरी उतनी पब्लिसिटी करते थे। तो दैट वे एनी बिजनेस ऑलवेज ग्रो करता है ईयर टू ईयर। जब हम एनुअल रिपोर्ट टीवी पर न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं तभी भी बोलता है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमारा टर्नओवर कितना ग्रो हुआ एंड सो ऑन। ठीक है, सो सपोज एवरी क्वार्टर हमारा प्रीवियस ईयर का सेल्स 250 था, इक्वल सेल्स था 250, और ये ईयर ऑफ फायर है, यहां 275 है, और 30th June और 1st July वॉट एवर यू कॉल इज अ डेट ऑफ फायर। मैंने लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल दिया था वही ले रहा हूं, लास्ट वीडियो वाला रिपीट करने के लिए। 30th June डेट ऑफ फायर था एंड अप टू 30 September इसे बोलते हैं अफेक्टेड पीरियड। बिजनेस हमारा अफेक्ट हो गया था, डिसलोकेट हो गया था, सो इसे बोलते हैं हम अफेक्टेड पीरियड। ठीक है, अफेक्टेड पीरियड में मेरा सेल्स टर्नओवर ओनली 20,000 था। अब क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट ट्रेंड इन सेल्स, कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स, और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर एटी। ये हमारा क्वेश्चन है, आप भी ये लिखना सब स्टार्ट कर दो। सो 1st April टू 31st March क्वार्टरली सेल 250 है, नेक्स्ट ईयर में 1st quarter 275 है, फिर नेक्स्ट 3 month बिजनेस अफेक्ट हो गया है, अफेक्टेड पीरियड में सेल ओनली 20,000 है। ओके, अब हम आंसर पर चलते हैं। क्या आप में से कोई ट्रेंड के बारे में बता सकता है, ट्रेंड इन सेल्स, कि इन द ईयर ऑफ फायर हमारा बिजनेस इंक्रीज होने वाला था, डिक्रीज होने वाला था, इंक्रीज होने वाला था आई कॉल इंक्रीजिंग ट्रेंड,
डिक्रीज होने वाला था तो डिक्रीजिंग ट्रेंड, या वही रहने वाला था तो नो ट्रेंड? क्या लग रहा है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं? जो भी फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने है बताइए। सर इंक्रीज बाय 10%। ओके, कैसे पता चला आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड परसेंट बिल्कुल राइट आंसर है? सर 36 को 275 है, 25,000 से इंक्रीज हुआ। ओके, आगे बोलिए। ये 275 है तो क्या कैसे पता चला 10% इंक्रीज है? बट क्योंकि आपने कंपेयर किया 250 के साथ और पता चला 10% इंक्रीज है। सो एक बात याद रखना, नोइंगली और अननोइंगली आपने कुछ एज्यूम किया है। पता है आपने क्या एज्यूम किया था? देयर इज ऑलवेज एन एजम्पशन। अब भी लिखना स्टार्ट करो, लास्ट टाइम भी लिखाया है लास्ट वीडियो में। There is always an assumption that trend is effective from first day of current year. This is always an assumption that trend is effective from first day of current year. मतलब हमारा जो year to year growth करते हैं वो compared to last financial year April to March, अब current year first April onward business grow करेगा. So हम हमेशा assume करते हैं कि trend is effective from first day of current year. ठीक है, अच्छा calculate कैसे करते हैं? आप लिखिए, ट्रेंड इज कैलक्यूलेटेड बाय कंपेयरिंग। हम कंपेयर करते हैं किससे, क्या ट्रेंड इज कैलक्यूलेटेड बाय कंपेयरिंग करंट ईयर सेल्स ऑफ first day of year to date of fire with corresponding period sales of last year. हम compare करते हैं क्या करंट ईयर सेल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर विद दैट ऑफ ए लास्ट ईयर पीरियड। हमारे सम की बात करो, हमारे सम की बात करते हैं ना, क्या बताइए? करंट ईयर सेल्स हमारे सम की बात करते हैं, करंट ईयर सेल्स फर्स्ट डे। एक काम करते ना, इधर ईयर भी लिख डालते ना, ये 6 है, बाद में ये 1 अप्रैल 7 हो जाएगा, राइट? इधर 7 कर डालता हूं। सो फर्स्ट डे ऑफ ईयर to the date of fire वही period, वही April to June period but last year का, and last year first day of year, first day of year to date of fire, first day of year to date of fire last year or 250 था।
इंक्रीज इन सेल, ओके, सो व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज? आपने से सही आंसर दिया था। तो सबसे पहला मैंने ट्रेंड कैलकुलेट कर दिया। प्रीवियस दो तीन वीडियो में देखेंगे हमने फाइव सम्स किए थे कुछ शायद रफली, वो सब में ऐसा ट्रेंड दिए थे, या तो ट्रेंड डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग था, या ट्रेंड नहीं था, कांस्टेंट बिजनेस था। हाँ, अब बाकी का बात करना। या बोलिए 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 सर, वो 10% है। हाँ, 10 10 10 10 10 10 10। अरे 25 कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही है ना, ये 10 ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, परसेंटेज इंक्रीज 10%। ठीक है, अब आपको शॉर्ट सेल वगैरह जो पूछा है वो बाकी की बातें कैलकुलेट करो, शॉर्ट सेल या जो भी है वो। बोलिए शॉर्ट सेल वगैरह क्या है? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, ओके, सो वी गेट स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है? जो अफेक्टेड पीरियड है ना 30th June, लाल वाला, रेड वाला, वही अफेक्टेड पीरियड में प्रीवियस ईयर में कितना सेल हुआ था, इसे स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं, दैट इज 250। लास्ट ईयर अफेक्टेड पीरियड में लास्ट ईयर 250 हुआ है। ठीक है, 10% इंक्रीज ट्रेंड है, मतलब करंट ईयर में 275 होने वाला है, इसे बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक है, बट एक्चुअल कितना हुआ है, एक्चुअल सेल इन द अफेक्टेड पीरियड, दैट इज ओनली 20,000, दैट इज ओनली 20,000। तो ये 255, इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल। ठीक है, अब कैलकुलेट एनुअल टर्नओवर एंड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, 80 एंड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 80। एनुअल टर्नओवर क्या है पता है ना, एनुअल टर्नओवर क्या होता है? फ्रॉम डेट ऑफ फायर अर्लियर 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ, फ्रॉम डेट ऑफ फायर लास्ट 12 मंथ। सो हमारी डेट ऑफ फायर थी 30th June 2007, तो अर्लियर 12 मंथ, 30th June 2006 लिखो या 1st July 2006 लिखो, बातें की है। सो चेक करो ये कितना है, डेट ऑफ फायर से प्रीवियस 12 मंथ, चेक करो डेट ऑफ फायर से प्रीवियस 12 मंथ क्या होता है, गो बैकवर्ड, तो इसे एनुअल टर्नओवर बोलते हैं, 80। कितना है, गो बैकवर्ड, 250 250 250 and 275, डेट ऑफ फायर से प्रीवियस 12 मंथ, 30th June 2007 से 30th June 2006, सो वो है 250 plus 250 plus 250 plus 275, सो दैट कम्स 10,25,000। अब इसमें 10% इंक्रीज, तो हमारा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आता है, तो हमारा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर होता है, ओके, बताइए ये 10% इंक्रीज किसके पर करूं? डायग्राम देख के बोलना,
10% इंक्रीज किससे करूं, ऑन व्हाट? एनुअल टर्नओवर के कौन से कंपोनेंट में मैं 10% ऐड करेगा तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मिलेगा? जल्दी से बताओ, एनुअल डायग्राम. हाँ, द फर्स्ट थ्री क्वार्टर. फर्स्ट थ्री क्वार्टर, आपने लास्ट टाइम भी सही बोला था. फर्स्ट थ्री क्वार्टर जो है ना, 250 प्लस 250 का 10% इंक्रीज करो. वो फोर्थ क्वार्टर के ऊपर क्यों नहीं इंक्रीज करना है? ऑलरेडी इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो तो इंक्रीज फिगर है, वो करंट ईयर का फिगर है. करंट ईयर का फिगर इज विद द ट्रेंड ओनली. सो ये हो गया 75. 11 लाख आंसर राइट है. कोई मुझे स्टूडेंट पूछता है, सर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, हाँ 10 लाख है ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पूरा ईयर का फिगर, क्या उसमें हम डायरेक्टली ट्रेंड ऐड करते हैं तो मिल जाता है AAT? हाँ, लेकिन वो मेथड से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. बट ओवरऑल चेक के लिए ठीक है एक बार, कि इन जनरल मेरा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है ना, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें आप ट्रेंड ऐड करते हैं ना तो AAT मिल जाता है. देखो ना, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 10 लाख था तो उसमें हमने 10% ऐड किया तो AAT मिल जाता है इन जनरल. हाँ, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा फिगर्स ट्विक कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये टैली नहीं होता है. बट अदरवाइज इन जनरल मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये सही आंसर है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10% इंक्रीज होता है तो इतना हो जाता है जनरल ईयर्स. बट कभी कभी नो होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वे इन विच क्वेश्चन इज ड्राफ्टेड. बट ऑल राइट, हमारा ये डिस्कशन खत्म हो गया. अब बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हम लोग सम पर चलते हैं, एंड दैट इज सम नंबर आई थिंक सो 25 है. पर ये उसके पहले लिख दिया क्या सब लोगों ने? सम नंबर 25 पर चलते हैं, स्टार्ट करें सम नंबर 25. क्या हम सम नंबर 25 शुरू करें? Are you ready? चलिए, Why Limited had taken out a loss of policy for 3 lakh, being 130 for net profit, 170 for expense. Expense to the extent of 30 were not insured. During 2006, which is the last year, company had earned a net profit of 90,000 after charging 2 lakh standing charges on sale of 30 to 50. On 1st June, there was a fire as a result of which sales suffered a great deal of 6 months. So 6 months हमारा business affected था. January, February, March, April, May, June, July. 6 months था. So January to June हमारा, एक मिनट, sorry, आग कब लगा है? 1st June को लगा है. तो 1st June के बाद हमारा affected period start होता है. The details were as under. The indemnity period of policy is 4 months. तुमको क्या लगता है? इंश्योरेंस कंपनी मुझे 6 मंथ का पैसा देगी क्योंकि बिजनेस 6 मंथ अफेक्टेड हुआ था, या पॉलिसी का पीरियड ही 4 मंथ था तो 4 मंथ पैसा देगी? बताइए जरा जल्दी से चैट में लिख के. मेरा बिजनेस 6 मंथ अफेक्ट हुआ है लेकिन मैंने पॉलिसी में बोला है 4 मंथ का ही क्लेम करेगा मैं, तो सोच के आंसर दो. चैट में लिखो या माइक में बोलो, इंश्योरेंस कंपनी कितना मंथ का पैसा देगी? आंसर 4 मंथ ओनली. आंसर सब लोग ने सही दिया है, 4 मंथ. ओके, 2000 was spent on putting the fire off. ये क्या है? ये तो fire fighting expense है. Normally fire fighting expense कब लगता है? जब fire होता है, जब fire होता है तब fire fighting expense लगता है ताकि stock burnt out ना हो जाए. तो generally fire fighting expense हम किस में claim करते हैं? Loss of stock policy में generally. तो यहां क्या क्लेम करते हैं?
यहाँ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम करते हैं कि पता है ना, कभी कभी हम पड़ोसी की दुकान रेंट पर लेके वहाँ बिजनेस लगाते हैं, तो हम क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस करेंगे और हम एज्यूम करेंगे कि ये 2000 जो फायर फाइटिंग एक्सपेंस है वो लॉस ऑफ स्टॉक में कवर किया है. सेविंग ऑफ 3000 इज अफेक्टेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2006. मशीन वॉज इंस्टॉल्ड विच रिजल्टेड ए नेट सेविंग ऑफ 2% ऑफ सेल. सोच के आंसर दो, 2% ऑफ सेल क्या है? सोच के आंसर दो, 2% ऑफ सेल क्या है? तो इंक्रीज इन जीपी रेशियो है. हमने कोई नया मशीन लगाया है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन कर देगा, तो मैं जीपी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा. एनीवे, मैंने क्वेश्चन रीड किया है, अब बताओ मैं स्टार्ट कैसे करूं, शुरू कैसे करें? तो जो हमारी नॉर्मल मेथड है, डायग्राम ड्रॉ करना है तो ठीक है, वरना उससे बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ये क्या है, 1 January to 31st December, ये तो मेरा लास्ट ईयर है, विच इज सेम एज 1 January 7. ठीक है, फाइल कब हुआ है? यहाँ 1 June को. हमको कितना मंथ लेना है? 4 months. सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 months का ही मुझे कैलकुलेशन लेना है. ये हमारा इंडेमनिटी पीरियड है. ठीक है, जून, जुलाई, वैसे एक्चुअल बिजनेस 6 months बंद हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी 4 months देने वाली है. ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का टर्नओवर कैलकुलेट करिए. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1,60,80,240. ओके, ये 4 months है. चलिए आगे बताइए, मैं अभी सम कैसे शुरू करूं? सम कैसे शुरू करेंगे बताइए. चलिए सबसे पहला जीपी रेशियो कैलकुलेट करिए. बताइए क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये होता है, वेरी रेयरली होता है, एग्जाम में कम से कम होता है. लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100. बताइए नेट प्रॉफिट कितना है लास्ट ईयर का? 90,000. लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है? 90 है ना? एंड आफ्टर चार्जिंग स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ 2 lakh. फटाफट कैलकुलेट करके दो मुझे, फटाफट मुझे ये कैलकुलेट करके दे दो. क्या जीपी रेशियो लाया? 1 insured वगैरह था? क्या कुछ अनइंश्योर्ड है? 30. टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 2 lakh है, 30 अनइंश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड कितना हुआ? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 2 lakh है, 30 अनइंश्योर्ड है, तो बताइए इंश्योर्ड कितना हुआ? एंड लास्ट ईयर सेल कितना है? 3,250.
पता तो कितना हो गया परसेंटेज, क्या किसी ने कैलकुलेट किया? 2 लाख स्टैंडिंग चार्जेस है बट 30 ऑन इंश्योर्ड है, 8%। ये लास्ट ईयर का जीपी है, सो करंट ईयर जीपी बताइए। करंट ईयर जीपी रेशियो क्यों 10% हो गया? क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन में दिया था ना, बिकॉज ऑफ नया मशीन मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन बाय 2%, विच मीन्स माई जीपी विल इंक्रीज बाय 2%। ठीक है, अभी शॉर्ट सेल कैलकुलेट करिए कैसे। ये जो 1 जून to 30 September मेरा अफेक्टेड पीरियड है, 1 जून to 30 September जो मेरा अफेक्टेड पीरियड है, उसमें लास्ट ईयर कितना सेल हुआ था? 1 जून to 30 September जो मेरा अफेक्टेड पीरियड है, उसमें लास्ट ईयर कितना सेल हुआ है? लास्ट ईयर 1 जून to 30 September 4 month लास्ट ईयर चेक करिए, क्या वो 14 लाख है? यस, 1 जून to 30 September लास्ट ईयर, करंट ईयर में इतना है, एक्चुअल है। लास्ट ईयर कितना हो गया? 3 + 4 + 3 + 3 14 लाख। तो लेट स्टार्ट शॉर्ट सेल वगैरह। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, ये फायर पीरियड में लास्ट ईयर का जो सेल होता है उसके लिए क्या नाम देते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड टर्नओवर। ओके, अच्छा व्हाट अबाउट द ट्रेंड? पहले मुझे लगता है ट्रेंड कैलकुलेट कर देना चाहिए ना, वो पहले ही कर देना चाहिए था। इनफैक्ट ये सब करने के पहले ही कर देना चाहिए था, पहले कर देता हूँ ना। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड इन सेल्स, ये जीपी के ऊपर भी पहले भी कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बताइए ट्रेंड इन सेल्स क्या है? ट्रेंड इन सेल्स, करंट ईयर में जनवरी टू जून क्या दिख रहा है? करंट ईयर में जनवरी टू जून जस्ट बिफोर द फायर और जनवरी टू मे व्हाट एवर यू कॉल क्या दिख रहा है? करंट ईयर में जनवरी टू जून क्या दिख रहा है? 10% इंक्रीज। बिल्कुल सही, आपको ओवरली दिख रहा है, आप देखो ना ओवरली देख सकते हैं, 2 लाख का 220, 2 लाख का 220, 250, 250। सो ये सेल्स का टोटल मारता हूं तो कितना है? 2, 4, 8, 9, 3, 12 है, ये 12 है और ये 220, 220 चेक कर लो कितना होता है। 220 + 220 1320। वैसे बिना ये कैलकुलेशन भी आप ओरली कर सकते हैं कि एवरी मंथ सेल 10% ग्रो हो रहा है, और इधर टोटल बेसिस पर कर सकते हैं, एक ही बात है, ओरली भी कर सकते थे। We can see just before fire in current year compare to previous year corresponding period sales increase by 10%, clearly dikhta hai. We can see just before fire in current year compared to previous year corresponding period sales increase by 10%. Month to month dikh raha hai humko, clearly dikh raha hai.
ठीक है, अब शॉर्ट सेल निकाल, कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेट शॉर्ट सेल, व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर, दैट इज ये जो फायर हुआ था ना, ये जो हमारा फायर वाला पीरियड है ना, वही पीरियड में प्रीवियस ईयर, फायर वाला पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, वही फोर मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर, दैट्स योर स्टैंडर्ड टर्नओवर। सो करंट ईयर में वो फोर मंथ में कितना एक्सपेक्टेड था, वो फोर मंथ में 1540 एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ 10% इंक्रीज, बिकॉज ऑफ 10% इंक्रीज 1540 एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ था, ओनली 240, एक्चुअल सेल्स तो ओनली 240 है, तो 13 लाख का क्या है, शॉर्ट सेल है, सेल का नुकसान हो गया, और सेल का नुकसान हो जाता है इट मींस प्रॉफिट का लॉस हो जाता है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वही कितना मेरा जीपी रेशियो है इन दिस शॉर्ट सेल, मेरा जीपी रेशियो है 10% इन दिस शॉर्ट सेल, सो ये मेरा नुकसान हो गया। चलिए अब करेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस, अब करेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस हम क्लेम कर रहे हैं, व्हाट इज एडिशनल एक्सपेंस का क्या फंडा है, आंसर सपोज फायर होने के बाद बिजनेस बंद होता है, तब कभी कभी हम फुटपाथ पर बैठ के बिजनेस करते हैं, पड़ोसी की दुकान रेंट पर लेके बिजनेस करते हैं, तो वहां मुझे एडिशनल रेंट और अदर एक्सपेंस लगता है, वो भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं, क्योंकि वहां बैठ के बिजनेस करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मेरी क्लेम कम हो गई थी, तो उसका पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी से ही लेंगे, तो क्या एडिशनल एक्सपेंस कुछ लगा है, हाँ, एंड एडिशनल एक्सपेंस वेर 16,028, 2000 के बारे में बोला ना, वो तो फायर फाइटिंग है, वो अलग है, पड़ोसी की दुकान रेंट पर लेने से 16,028 लगा है, ठीक है, पड़ोसी की दुकान, ओके, और बी जीपी रेशियो एडिशनल सेल, ये पड़ोसी की दुकान पर बिजनेस लगाने से मेरा सेल कितना हो गया, चेक करिए पड़ोसी की दुकान पर बिजनेस लगाने से हमारा सेल कितना इंक्रीज हो गया, पड़ोसी की दुकान पर बिजनेस लगाने से मेरा सेल कितना इंक्रीज हो गया, कैलकुलेट करिए, बताइए पड़ोसी की दुकान पर बिजनेस लगाने से मेरा सेल कितना इंक्रीज हुआ, अलग से फिगर नहीं देते हैं,
कि पड़ोसी की दुकान से कितना सेल आया, ऐसा अलग से नहीं देते। तो मानते हैं जो भी है वो सब पड़ोसी की दुकान से ही है, जो भी मेरा एक्चुअल सेल है दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। इफ वी आर नॉट गिवन एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हमको अलग से नहीं देते हैं कि एडिशनल सेल कितना है, तो हम मानते हैं जो भी बिजनेस हुआ वो पड़ोसी की दुकान से ही हुआ है जो हमने रेंट पर लिया है। सीखिए, कभी कभी हम अंडर इंश्योर्ड करते हैं तो थोड़ा पैसा कम हो जाता है ना, याद करिए ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का डिस्कशन आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जाना होगा। प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो पहले जीपीओ ने एटी कैलकुलेट कर दो। तो पहले एटी कैलकुलेट करो, एटी माने करंट ईयर में जो आग लगी थी फर्स्ट जून को, करंट ईयर में जो आग लगी है, फायर हुआ है फर्स्ट जून को, उससे बैकवर्ड उसको एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। बताइए करंट ईयर में, करंट ईयर में ये फर्स्ट जून है, वहां से के लेके लास्ट ईयर का फर्स्ट जून एनुअल टर्नओवर, वो जब आप कैलकुलेट करो करंट ईयर का फर्स्ट जून से लेके लास्ट ईयर का फर्स्ट जून, तो फर्स्ट जून टू 30 सितंबर तो हो गया था लास्ट ईयर का 14 लाख था। फिर सितंबर के बाद क्या था, सितंबर तक तो मैंने ले लिया था ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना 650 था ये, ठीक है चेक कर लो जरा। यस, फर्स्ट जून टू 30 सितंबर 40 लाख था, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाला 650 था, और बाद में तो ऑलरेडी है। सो बताइए क्या है एनुअल टर्नओवर, 14 लाख प्लस 650 प्लस 1320, प्लस कितना था करंट ईयर का 1320 ना, कितना था 1320, दैट इज 3370। प्लस ट्रेंड परसेंट इंक्रीज है ना हमारा ट्रेंड, सोच के आंसर दो डायग्राम देख के, 10% इंक्रीज किसका करना है, सोच के आंसर देना डायग्राम देख के, 10% इंक्रीज मुझे किसका करना है, डायग्राम देख के बताना, डायग्राम देख के बोलो 10% इंक्रीज किसका करना है। आंसर 14 लाख एंड 650 का, 1320 का क्यों नहीं करना है, 1320 में 10% क्यों नहीं इंक्रीज करना है, बताइए। अरे क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी 10% इंक्रीज किया हुआ फिगर है ना, वो तो ऑलरेडी इंक्रीज किया हुआ फिगर है,
So 2,05,000. So ultimately कितना हो गया? 35,75,000. And what about GP on AAT? AAT है. ₹357,500 GP on 8. So, पहले आप एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करो डेट ऑफ फायर से लास्ट 12 मंथ, ठीक है? फिर लेकिन जब ट्रेंड ऐड करना है तब केयरफुल करना है, क्योंकि वो करंट ईयर वाले फिगर पर ऐड नहीं होता है, ओनली प्रीवियस ईयर वाले पर होता है, क्योंकि करंट ईयर ट्रेंड इंक्रीज्ड फिगर. Get 80, 10% GP. 357,500 upon 357,500 plus uninsured standing charges. If I recollect, uninsured standing charges 30,000 tha, starting mein diya tha. Into additional expense. Additional expense 16,028 tha. Toh bataiye kitna aa gaya ye solve karke? बताओ ये सॉल्व करके कितना आया? 14,787 चेक कर लो जरा, विच एवर इज लेस. दिस और दिस विच इज लेस, तो आंसर 14,787 is less. अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना दीजिए. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम याद करिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम कितनी थी? 1,30,000. क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस दैट इज 14,787. Less savings in insured standing charges. देखो मैं मानता हूं कि ये सब 4 month का ही expense है. 16,028 जो हमारा claim period है ना, ये सब उसी की बात चल रही है. एंड सेविंग भी उसी की बात चल रही है कि 4 month का है जो भी कुछ है. सपोज ये 6 month का है तो प्रोपोर्शनेटली मैं 4 month का ले लेता था 3,000. कौन सा एक्सपेंस हमने कंसीडर नहीं किया है? फायर फाइटिंग. हम एज्यूम करता हूं कि वो लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर कवर करेंगे. चले अब फाइनल इंश्योरेंस. कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम. कैसे करेंगे ये हम कंपेयर करते हैं किससे क्या?
policy amount versus total stock. Policy amount diya hai 3 lakh, I suppose. Policy amount humne diya hai 3 lakh. First line of the question. Total stock word hai na, उसमें होता है loss of stock पे. उसी की जगह पर यहाँ क्या word होता है? GPO ने 80. यहाँ word होता है GPO ने 80. 357,500. Policy amount कम है, hence under insurance. So claim कितनी होगी तो फिर under insurance है तो policy amount GPO ने 80 into loss as per statement of claim. About 18982. जो फायर फाइटिंग एक्सपेंस कुछ था ना, कितना था? 2000 समथिंग कुछ तो था. वो हम किस में मानते हैं? वो होगा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में, क्योंकि आग नहीं बंद करेंगे ना, फायर एक्सटिंग्विश नहीं करेंगे तो पूरा स्टॉक जल जाएगा. सो जनरली फायर फाइटिंग एक्सपेंस उसमें कवर होता है. इधर क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस होता है. ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ है. दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेट्स सी कैसे करते हैं. हो गया क्वेश्चन 27 चेक करते हैं. Question 27, fast. चलिए क्वेश्चन 27. A loss of profit policy was taken for 80,000. Fire occurred. Sorry. सर वो नोट दिखा सकते लास्ट. बाकी रह गया है ये वाला. यस यस. बाकी के लोग 27 देखिए. थैंक यू सुनील. A loss of profit policy was taken for 80,000. Fire occurred on 15 March. Indemnity period 3 months. Net profit of that last year was 56. Standing charges all insured. 49,600. Determine the claim. Okay. Now, 1st January to March, April to June, July, October to December. बाद में 16 मार्च टू 31st मार्च लास्ट ईयर, 16 मार्च टू 31st मार्च करंट ईयर, 16 जून टू 30 जून, 16 जून टू 30th जून. प्रॉब्लम खत्म हो गया. कुछ दिमाग में बैठा नहीं क्वेश्चन, राइट? डोंट वरी. तो सबसे पहले एक टाइमलाइन तो बना ही देते हैं ना. जैसे जनवरी टू दिसंबर एंडिंग है,
ये 6 है तो लास्ट ईयर हुआ. और डेट ऑफ फायर है 15 मार्च. डेट ऑफ फायर कब तक बिजनेस बंद हुआ था? 3 months. 3 months तो 15 मार्च से 3 months कब हुआ? June 15. अफेक्टेड पीरियड. ठीक है, तो यही मुझे लास्ट ईयर भी लगेगा. 15 मार्च से 15 जून, बट लास्ट ईयर. इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टर्नओवर. ये लगेगा. अब सबसे पहला एक ट्रेंड निकाल के रख देते हैं. कैलक्यूलेट ट्रेंड इन सेल्स. कैलकुलेट ट्रेंड इन सेल्स. वो ट्रेंड कब से लेना है मुझे? 15 मार्च से. यू नो वी कंपेयर ये 2.5 months वर्सेस लास्ट ईयर 2.5 months. क्या करें? क्या करें? क्या आपको ईयर टू ईयर कोई ट्रेंड दिखता है क्लियरली डायरेक्टली? जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये 10,000 इंक्रीज दिख रहा है. यू नो ट्रेंड इज ईयर टू ईयर कंपाउंडेड होता है ना. कभी कभी हमको बहुत 2-3 साल की इंफॉर्मेशन नहीं देते तो हम एक ही साल में कंपेयर करते. सपोज ये 4 and 5 नहीं देते थे ना तो हम सिर्फ इसके ऊपर से ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं. बट पता है ना मोर देन 1 year की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम जितने भी ईयर अवेलेबल है सबको इन्फॉर्मेशन में यूज करते हैं. क्या आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या? 120 to 130 कुछ ट्रेंड दिख रहा है? वो तो खाली 10,000 रुपीस है. रुपीस डिवाइड बाय 120. 10,000 रुपीस डिवाइड बाय 120 करता हूँ तो मुझे 8% दिखता है. 8.33. और इधर 12,000 दिख रहा है तो 12 डिवाइड बाय 130 करता हूँ तो 9 दिख रहा है. 9.2% दिख रहा है. अच्छा यहाँ तो कहाँ भी फायर नहीं हुआ था. ये 10,000 एब्सोल्यूट अमाउंट है, परसेंटेज नहीं है. ये भी एब्सोल्यूट अमाउंट है. तो क्या करें? कुछ क्लियर कट विजिबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ट्रेंड नहीं दिख रहा है. ओके चलो और कुछ ट्राई मारता हूँ. एक काम करता हूँ ना, पूरा ईयर का फिगर देखते हैं क्योंकि अल्टीमेटली AAT यूज करने में पूरा ईयर ही मिलता है ना लास्टली. तो यही देखते हैं ना कितना हो गया. 2,03,436. ये कितना हुआ जा टोटल मारो. 2,03,430,430,480. इधर कुछ ट्रेंड दिख रहा है क्या? 142. हम लोग मोर देन 1 year दिया है तो मोर देन 1 year की इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं ट्रेंड के लिए. ये हो गया 528. क्या आपको इधर से इधर कुछ ट्रेंड दिख रहा है क्या? देखिए जरा, देखो जरा 436 और 480 का डिफरेंस निकाल के देखो. कुछ ट्रेंड दिख रहा है क्या? ये 10% है. आप इधर से कैलकुलेट करेंगे तो ये चेक करो. 480 to 528 डिफरेंस 48 होता है डिवाइड बाय 480. ये भी 10% है. कितने लोग को ये सब कैलकुलेशन बैठा दिमाग में? मैंने ईयर टू ईयर किया. पहला मैंने क्वार्टर टू क्वार्टर चेक किया. 120, 130, 142 वहाँ तो ट्रेंड नहीं दिख रहा है. 80, 90, 1 lakh वहाँ 10% नहीं है, जस्ट 10,000 है. 1 lakh, 110, 120 भी जस्ट 10,000 है. 136, 150, 166 में तो कुछ भी नहीं है. 10, 12, 14 एग्जैक्ट. बट जब मैं ईयरली टोटल मारता हूँ 2,03,436
2004, 2005, 2006 तो क्या पता चला 436 से 480 10% है, 480 to 528 10% है. तो अभी आप बोलो मैं क्या करूं, मेरा करंट ईयर का ट्रेंड क्या करूं, यू टेल मी व्हाट कैन बी द बेस्ट एस्टिमेट. आफ्टर ऑल फायर इंश्योरेंस इटसेल्फ इज द एंटायरली एस्टिमेट का चैप्टर. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मैं कितना ट्रेंड लूं? मैं आपसे आंसर चाहता हूं, जल्दी से बोलो. 10% द बेस्ट कैन बी द ट्रेंड 10%. तो लिखो ये बात, ये बात आप लिखिए. There is no visible trend in percentage form quarter to quarter, मतलब first quarter 4 से 5, 5 से 6 like that. But as can be seen below, but as can be seen below, there is increasing annual sales of 10%. See, after all, it is an estimate. कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मुझे एग्जाम में कैसे मालूम पड़ा. आंसर ये है कि जब मोर देन वन ईयर की इंफॉर्मेशन देते हैं वी यूज ऑल द ईयर टू गेट द ट्रेंड. बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो था ही नहीं, परसेंटेज कुछ फिट नहीं हो रहा था. तो वी ट्राइड एनुअल बेसिस, तो एनुअल बेसिस में फिट हो गया है हमारा अल्टीमेटली. तो ईयर टू ईयर इज ओके. इनफैक्ट हमारा एनुअल टर्नओवर बाय डेफिनेशन ईयर टू ईयर ही है, नाम ही एनुअल है. जनरली हम मानते हैं जो क्वार्टरली ट्रेंड है वही ईयरली ट्रेंड है. चलिए अभी अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा बिकॉज ऑफ डेट. अब जीपी रेशियो कैलकुलेट करो, जीपी रेशियो कैलकुलेट कर दो मुझे. गेट मी जीपी रेशियो. Get me GP ratio. Sorry, get me GP ratio. चलिए मुझे GP ratio बताइए, क्या formula है GP ratio की? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. तो अभी तक एक भी समझ नहीं आया ये लास्ट ईयर सेल्स. टेक्निकली वी आर गेटिंग लास्ट ईयर का जीपी रेशियो. बताइए कितना है नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का? स्टार्टिंग की फर्स्ट थ्री लाइन में दिया है 56,000. फर्स्ट थ्री लाइन चेक करिए ना, नेट प्रॉफिट 56 ऑल स्टैंडिंग चार्जेस पर इंश्योर. ₹56 + ₹49,600 डिवाइड बाय लास्ट ईयर का सेल्स कितना था बता दीजिए. तो लास्ट ईयर का सेल्स तो आपको हमने अभी अभी टोटल मारा था ना 528 × 100. कितना आता है किसी ने कैलकुलेट किया है? एनीबडी कैलकुलेटेड? क्या किसी ने कैलकुलेट किया है ये? 20%. चलिए शॉर्ट सेल कैलकुलेट करिए. अभी इसमें थोड़ा डेट में इश्यू आएगा.
But ठीक है, we'll solve the debt का issue भी. Calculation of short sale. Be very careful about the date. Okay? मुझे कौन सा period का standard turnover लेना है? जो fire हुआ था 15 मार्च 7 टू 15 जून 7, उसका प्रीवियस ईयर. सो ये हो गया 15 मार्च 6. अब 15 मार्च बोलो या 16 मार्च बोलो, टू 15 जून 7. टेक्निकली ये 15 जून है तो ये 16 मार्च बनता है, बट उससे बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमको भी 16 मार्च से ही दिया है इन्फॉर्मेशन, टेक्निकली 16 मार्च से बनता है, बट दैट्स ओके. सर लिखने के लिए 15 मार्च लिख सकते हैं. बताइए ये कैसे निकालेगा आंसर. ये फिगर आप 7 की तरफ से लिखा, लास्ट ईयर का है ना. ये फिगर आपको रेडीली नहीं दिया है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ठीक है आप कर पाएंगे. 16 मार्च टू 15 जून, क्वेश्चन चेक करिए, यू नीड अ क्वेश्चन. तो देखो ये कैसे दिया है आपको. सबसे पहला आपको दिया है 6 से 31 मार्च, ये फिगर दिया है. क्या बता सकते हैं ये फिगर कितना है? 28. और उसके बाद का जो फिगर है ना वो सीधा अप्रैल टू जून दिया है. अप्रैल टू जून ये लास्ट ईयर का फिगर है, अप्रैल टू जून 1 लाख. तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है कोई बता सकते हैं? समस्या क्या है? समस्या ये है कि मुझे 15 जून तक चाहिए और उन्होंने 30 जून तक दिया है. अब क्या करूं? क्या आप बता सकते हैं कोई तुम्हारे में से क्या करे? मुझे अप टू 15 जून चाहिए बट उन्होंने अपने को 30 जून तक दिया है, तो मैं क्या करूं? तो लेस कर देता हूं. क्या आप कौन सा फिगर या कौन सी डेट को, क्या आप में से कोई चैट में लिखना चाहता है मुझे तो अप टू 15 जून चाहिए और उन्होंने अप टू 30 जून दिया है, तो क्या आप चैट में डेट लिखना चाहते हैं कि इससे क्या लेस करूं? आई मीन विच फिगर शुड आई लेस? फिगर बोलो या तो डेट बोलो, कुछ भी आंसर नहीं आया. मुझे अप टू 15 जून चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड टर्नओवर पे उन्होंने 30 जून तक दिया है, तो एक काम करते हैं तो लेस 16 टू 30 तक का लेस कर दो क्योंकि वो नहीं चाहिए मुझे. क्या आप में से कोई लिख सकते हैं? एक भी आंसर नहीं दिया है. कौन सा फिगर लेस करो? एक भी आंसर नहीं आया है तुम्हारे में से. कौन सा फिगर लेस करो? एक भी आंसर नहीं आया है. देखो मेरा ये जो अपना पीरियड है ना 15 मार्च टू 15 जून है, तो मुझे लास्ट ईयर का वही चाहिए 15 मार्च टू 15 जून. बराबर है, 15 मार्च बोलो या 16 मार्च बोलो. सो 15 मार्च टू 15 जून, तो ठीक है मार्च का तो दे दिया है, बाद में अप्रैल टू जून दे दिया है, लेकिन मुझे अप टू 15 चाहिए, उन्होंने 30 दिया है, तो 16 से 30 माइनस कर दो. ये फिगर डायरेक्टली दिया है पेपर में 24,000. तो बताइए स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या हो गया? ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर. टेन परसेंट इंक्रीज, कितने लोग को समझा? तो वाई वर्ड लिखो, नहीं समझा तो एन वर्ड लिखो. ये कैलकुलेशन अभी अभी शो एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर डेट वगैरह ध्यान से देखते हुए. समझा तो वाई वर्ड लिखो, नहीं समझा तो एन वर्ड लिखो. दोनों में से कुछ नहीं लिखेगा तो मुझे कैसे समझेगा? एक भी वर्ड नहीं आया है, न वाई आया है न एन आया है. एक्चुअल सेल्स में भी वही समस्या होगी. जैसे मैंने करंट ईयर लास्ट ईयर का किया, वैसे वही पीरियड का करंट ईयर का सेम स्टाइल से करना होगा. न वाई वर्ड आया है न एन वर्ड आया है. न वाई, न ओ वाई आया, वाई आया 20 लोग, वेरी गुड वेरी गुड. एक्चुअल सेल भी वही सेम सिस्टम से करना है ना, 16 मार्च, बट अभी 7 का है. सेवन, लेकिन अभी इसमें भी वही समस्या है, सेम स्टाइल.
सेम स्टाइल से, एग्जैक्टली सेम स्टाइल कि उन्होंने मुझे दिया है 16 to 31st दिया है पहले तो करंट ईयर का, और वो 16 to 31st नील है। बोलिए, बोलो बोलो। करंट ईयर का अप्रैल में जून करंट ईयर का दिया है 40 अप्रैल में जून। अब इसमें मुझे तो अप टू 15 चाहिए, तो 16 से 30 तक का माइनस कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहिए। सेम स्टाइल, और वो दिया है डायरेक्टली मुझे 6000। तो अफेक्टेड पीरियड का एक्चुअल सेल कितना है? 34। कितना ये? 34 एक्चुअल सेल अफेक्टेड पीरियड। सपोज ये बी है और ये ए है, तो बता सकते हैं शॉर्ट सेल क्या है? ए माइनस बी 114,400 माइनस 34,000 विच कम्स 80,400। ये शॉर्ट सेल है। कितने लोग को शॉर्ट सेल समझा? तो एस वर्ड लिखो, नहीं समझा तो एन एस वर्ड नॉट समझा लिखो। शॉर्ट सेल समझा तो एस वर्ड लिखो, एक भी आंसर नहीं आया। नहीं समझा तो एन एस वर्ड लिखो। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वही सेम सिस्टम था। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शॉर्ट सेल, आगे अभी लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट जीपी रेशियो इनटू शॉर्ट सेल, जीपी रेशियो कितना था हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था, वो 20% है शॉर्ट सेल। अब होगा क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। But read the question carefully. Additional expense ही नहीं है। है ही नहीं। So statement of claim claim for additional expense ही नहीं। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम, एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, क्या कोई सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है? वो भी नहीं है। अब मुझे पॉलिसी अमाउंट विद जीपी ऑन एटी कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए मुझे पहला तो जीपी एटी निकालना होगा ना, क्योंकि वो कंपेयर करना होगा ना।
calculation of insurance claim. Calculation of insurance claim. Kya calculate? First, calculate. क्योंकि ये पहले कैलकुलेट नहीं किया है ना, वरना हम पहले ही कैलकुलेट करते हैं इसको एडिशनल एक्सपेंस के अंदर. फर्स्ट कैलकुलेट जीपी ऑन एटी. क्या आप मुझे जीपी ऑन एटी कैलकुलेट में मदद करेंगे? पहला तो एटी कैलकुलेट करो, फिर एटी कैलकुलेट करो. पहले एटी फिर एटी. पहले एटी फिर एटी. क्या बता सकते हैं एटी वर्ड क्या है? एटी एनुअल टर्नओवर क्या है? फ्रॉम डेट ऑफ फायर प्रीसीडिंग, मतलब लास्ट 12 मंथ टर्नओवर. From date of fire preceding 12 month. क्या बता सकता है date of fire क्या? क्या बता सकता है date of fire क्या थी? मेरी date of fire थी 15 March. तो ये हो गया 15 March 6. अब 15 लिखो या 16 लिखो, ठीक है? तो वही आपको वापस से ध्यान से कैलकुलेट करना होगा ना, टर्नओवर डेट वाइज. ये मेरा एनुअल टर्नओवर है. फ्रॉम डेट ऑफ फायर, ये हमारी डेट ऑफ फायर है, वहां से अर्लियर 12 मंथ. तो सबसे पहला उन्होंने दिया है 16 मार्च से 31 मार्च दिया है. ऐसा आपको डेट वाइज करना होगा. ये क्या दिया है चेक करिए, 16 मार्च टू 31 मार्च लास्ट ईयर का. मुझे तो ये 28,000 दिखता है. फिर हो गया अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर. अप्रैल टू जून ऑफकोर्स लास्ट ईयर वो 1 lakh है. जुलाई टू सितंबर ऑफकोर्स लास्ट ईयर वो 120 है. अक्टूबर टू दिसंबर ऑफकोर्स लास्ट ईयर. फिर करंट ईयर. करंट ईयर में भी वापस गड़बड़. उन्होंने दिया है जनवरी 7 टू मार्च. ये फिगर है 130. तो बताइए इसमें समस्या क्या है? मुझे तो अप टू 15 मार्च लेना है, तो क्या लेस कर दू? क्या लेस कर दू? मुझे तो अप टू 15 मार्च तक लेना है, तो मुझे क्या लेस करना होगा? 16 मार्च टू 31 मार्च लेस कर देना होगा, क्योंकि मुझे तो ये जो दिया है ना वो अप टू 31. मुझे 15 तक लेना है, तो 16 ऑनवर्ड लेस कर दो. बट ये अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी नील था, सो नॉट टू वरी. सो नॉट टू वरी. सो कितना हो गया आंसर चेक करो टोटल. क्या ये हो गया है 5,44,000. इसे बोलते हैं 80. इसे बोलते हैं 80. अब उसमें 10% इंक्रीज इन ट्रेंड. बट बी केयरफुल, किसके पर नहीं करना है 10% इंक्रीज? सोच के आंसर देना, किसके पर 10% इंक्रीज नहीं करना है? तो आंसर वेरी सिंपल, जो करंट ईयर का होता है ना
ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड होता है उसके पर नहीं करना है, तो मुझे 10% इंक्रीज याद करना है किसके पर करना है, जो प्रीवियस ईयर का है। सिर्फ उसके पर करना है। करंट ईयर वाले पर क्यों नहीं करना है? याद है ना? क्या आप में से कोई माइक में बताएगा तो मुझे खुशी होगी, करंट ईयर वाले पर क्यों नहीं करना है? करंट ईयर वाले पर ये कितना था पता है? 4,14,000। कोई माइक में बताएगा करंट ईयर वाले पर क्यों नहीं करना है? एक ने भी आंसर नहीं दिया। करंट ईयर वाले पर क्यों नहीं करना है? एक ने भी आंसर नहीं दिया है। करंट वाला 130 पर क्यों नहीं करता हूं? सोच के आंसर दो। अरे यार वेरी बैड है, वीडियो देखने वाले देखो ना हमारा अभी के शो लोग आंसर नहीं दे रहे। हाँ करंट ईयर में तो ट्रेंड फर्स्ट डे से होता है ना, तो मानते हैं वो ऑलरेडी इंक्रीज्ड होता है। चले आगे। चले अभी 80 तो मिल गया ना, व्हाट इज जीपी ऑन 80? जीपी कितना है? 10% है ना कि 20 है? कितना है वहां जीपी? 20 है, कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो 20 है। तो बताइए कितना हो गया? 1,17,080। हम कंपेयर करते हैं ना पॉलिसी अमाउंट वर्सेस जीपी ऑन 80। पॉलिसी अमाउंट दिया है क्या क्वेश्चन में? फर्स्ट लाइन में लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ऑफ 80,000, पॉलिसी अमाउंट इज लेस एंड अंडर इंश्योरेंस, तो क्लेम बताओ। बोलिए, चेक कर लेना कैलकुलेशन। ये प्रॉब्लम है, दो बातें थोड़ी अलग थी। एक तो वो 10% ट्रेंड निकालना, नॉर्मली ट्रेंड मंथ टू मंथ क्वार्टर टू क्वार्टर मिल जाता है, ये प्रॉब्लम है ऐसा मंथ टू मंथ क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं मिला ट्रेंड। बट क्योंकि हमारे को क्वेश्चन पेपर में पूरी ईयर की इन्फॉर्मेशन दी थी, दैट टू लास्ट 3 more years इन एडिशन टू करंट ईयर, तो हमने ईयरली देखा तो ईयरली ट्रेंड बैठ रहा है 10%, तो हमने ट्रेंड वो एज्यूम किया है।
वो पहला पॉइंट था. दूसरा थोड़ी ध्यान से देखने वाली पॉइंट डेट का था, क्योंकि डेट ऑफ फायर बीच में था 15 मार्च 07, तो वो सब कैलकुलेशन डेट वाइज करना थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी. कितने लोग को प्रॉब्लम समझा है पूरा ओवरऑल तो वाई वर्ड लिखो, नहीं समझा है तो यू कैन आस्क मी दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एनएस मतलब नहीं समझा, लेकिन समझा है तो वाई वर्ड. वेरी गुड, 19 लोगों ने वाई वर्ड लिखा है, अच्छी बात है ये, नाइस. चले आगे. वीडियो देखने वाले चाहे तो रिपीट कर लो एक बार ये वीडियो.